नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। दिवाली के रात में आपको शत्रुओं का विनाश करने के लिए क्या करना चाहिए, एक अचूक टोटका मैं आपको कहने वाली हूँ। अगर आप सच में शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके ऐसे कौन सा टोटका करने से शत्रु से पीछा छूट जाएगा, ये मैं आज कहने वाली हूँ। दिवाली के रात को आपको 12 बजे से 3 बजे के अंदर ये उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना चाहिए, आधा मीटर एक मीटर, ऐसे जैसे एक सफ़ेद कपड़ा आपको ऐसे, यहाँ मैं पेज लेके आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ऐसे आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना चाहिए। उसके साथ आपको उड़द की दाल 1 किलो 25 ग्राम, आपको 100 किलो उड़द की दाल उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको बिछा लेना चाहिए। साथ ही एक पुतला आपको बना लेना चाहिए, कपड़े का पुतला आप बना सकते हो, काला रंग की पुतला होना चाहिए। उस पुतला की जैसे हाथ ऊपर और पा है, दो हाथ और दो पा, चार जगह ऐसे पुतला को पहले आपको इस कपड़े के ऊपर सुला देना चाहिए। उसके बाद चारों तरफ दो पा की तरफ दो नींबू आप रखिएगा, दो हाथ की तरफ दो नींबू आप रखिएगा। साथ में जो पुतला आप रख रही है उसकी पेट में, जहाँ पुतला की पेट में, उस जगह पे एक नींबू रखिएगा। टोटल 5 नींबू हो गया। आप साथ ही आपको 108 अल्पिन या कील आपको रखना चाहिए, पतला पतला जो पिन होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आसान रहता है। तो पुतला के हाथ के ऊपर दो नींबू, पैर के ऊपर दो नींबू, साथ ही आप पुतला की जो पेट है, पेट में उस नींबू को बांध देना चाहिए ताकि वो नींबू फिसल ना जाए, इधर उधर ना चला जाए। और 108 बार इस मंत्रों को आपको बोलना चाहिए, शत्रु के नाम लेकर आपको मंत्रों क्या बोलना चाहिए ये ध्यान से आपको सुन लेना चाहिए। इस मंत्र को बोलते ही शत्रु जो है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी आपका पीछा छोड़ देंगे। मंत्र ये है, जिस व्यक्ति का आपको नाम लेके करना है, उस व्यक्ति का नाम आपको अमुक, जब मैं आपको अमुक बोलूँगी, अमुक के जगह उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रीम क्लीम अमुक, समझ लीजिए। अमुक के जगह आप बिक्की ले लीजिए आप, या फिर एक्स वाई जेड कोई भी नाम ले लीजिए, उनका नाम आप लीजिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। ओम ग्रीम क्लीम अमुक दुष्टाय मुखाय स्तंभाय स्तंभाय जिभाय किलाय किलाय अकाल मृत्यु ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को एक बार बोल के आपको पीन जो है पुतला के बीचों बीच जो नींबू आपने रखा, नींबू के ऊपर आपको उस पिन को ऐसे दबा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना चाहिए और 108 पिन जो है उस पुतला के बीचों बीच पेट में जो आपने नींबू बांध के रखा, उस नींबू में आपको लगा देना चाहिए। तो इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना चाहिए। मंत्र एक बार और बता देती हूँ, ओम ह्रीम क्लीम अमुक दुष्टय मुखय स्तंभय स्तंभय जिभय किलय किलय अकाल मृत्यु ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार आपको याद करके अच्छे से सुन लीजिएगा जैसे मैंने बोला है। मैंने एक बार और रिपीट कर दूंगी आपको आखिर में, ये मंत्र गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्र गलत होने से आपका काम नहीं होगा, इसीलिए मंत्रों को आपको सही तरह से सुनना चाहिए। अब ये सारी सामग्री 108 बार इस मंत्रों को जप के साथ साथ पिन जो है नींबू में आपको लगा देना चाहिए। उसके बाद सारे सामग्री को एक मिट्टी का जो बर्तन है, उस मिट्टी का बर्तन में आग लगा के आपको जला देना चाहिए। जलाने के बाद वो सामग्री जो जब बिल्कुल राख हो जाएगा आग लगाने के बाद, तो दाल वो नींबू और पुतला सब कुछ जब जल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब कुछ जाके मिट्टी के नीचे आप दबा देंगे, कोई घर से दूर जाके कोई भी मिट्टी ऐसे जगह है जहाँ मिट्टी खोद के उसके नीचे आपको ये पुतला और दाल और ये सारा सामग्री मिट्टी के नीचे दबा के आपको मिट्टी ऊपर
जैसे पहले से थे ऐसे मिट्टी रख देना चाहिए ताकि किसी को पता ना लगे। ये क्रिया करते हुए आपको कोई नहीं देखना चाहिए। आपको टाइम आपको मैंने कह दिया है दिवाली के दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे रात को ये उपाय आपको करना चाहिए। ये मंत्र आपको एक बार और बता देती हूँ। ओम ग्रीम क्लीम दुष्टय मुखय स्तंभय स्तंभय जिभय किलय किलय अकाल मृत्यु ओम फट स्वाहा। इस मंत्रों को आपको कह के ये आपको उपाय जो है ये टोना ये टोटका जो है आपको करना चाहिए। इससे आपका सभी जो आपके शत्रु बाधा जो है वो नाश हो जाएगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा और आपको शत्रुओं से पीछा छूट जाएगा। आज तो आपने जान लिया इतना ही। फिर ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ और काला जादू की टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।